फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके। मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो लिया है वो लिया वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स। इसमें आपको फर्स्ट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, हायर डिग्री वेरिएबल का आपको कोफिशियंट चेक करना है। इसमें भी हायर डिग्री वेरिएबल का कोफिशियंट अगर वन है तो आप इस वन और इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास, वन इंटू सिक्स, सिक्स आएगा। वो भी किसका, ये भी प्लस का वन है, ये भी प्लस का सिक्स है, तो प्लस का सिक्स आएगा। ओके, हायर डिग्री वेरिएबल इंटू में कांस्टेंट टर्म आपको फर्स्ट स्टेप करना है। तो यहाँ हमारा ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल वन इंटू सिक्स प्लस सिक्स। इसको निकालने के बाद आपको सेकंड जो स्टेप करना है उसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन कीजिए सिक्स का। फैक्टराइजेशन, सिक्स का फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमें वन सॉरी टू थ्री जा थ्री वन जा ये फैक्टर मिलते हैं, टू थ्री और वन। इनमें से हमें इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लीजिए या एक तरीका और इसको वन इंटू सिक्स टू इंटू थ्री, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं ये बनेंगे इसके फैक्टर। अब इन फैक्टर्स में से हमें मिडल टर्म को देखना है माइनस फाइव, हमारी मिडल टर्म है माइनस फाइव। मुझे इन फैक्टर्स को एड अप या सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाना है, माइनस फाइव। अब माइनस फाइव बनाने के लिए मेरे पास यहाँ दोनों में ही पॉसिबिलिटी आ रही है, सिक्स माइनस वन करूँगी तो भी मेरा फाइव आएगा और टू और थ्री को एड अप करूँगी तो भी फाइव आएगा। कौन सी पॉसिबिलिटी राइट होगी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिक्स और वन को लेकर के माइनस फाइव बनाना चाहती हूँ तो मुझे सिक्स माइनस का लेना पड़ेगा और वन प्लस का लेना पड़ेगा, मेरा माइनस फाइव बन जाएगा। लेकिन अगर मैं माइनस का सिक्स और प्लस के वन की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस सिक्स, जो कि मेरा मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए था, प्लस सिक्स आना चाहिए था, बट यहाँ क्या रहा है, माइनस। तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से माइनस फाइव बनाने के लिए मेरे पास दूसरा पेयर और है, क्या है, टू और थ्री का पेयर। इसको मैं माइनस टू और माइनस थ्री दोनों को लेकर के ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस फाइव। ओके, और माइनस टू और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस सिक्स मिलेगा, ये भी राइट है। तो मेरा जो करेक्ट पेयर होगा वो ये पेयर होगा, दिस पेयर इज करेक्ट पेयर। तो यहाँ से मुझे माइनस फाइव को टू पार्ट्स में स्प्लिट करने पे मिला माइनस टू और माइनस थ्री अकॉर्डिंग टू माई पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये जो चॉइस है वेरी करेगी आपकी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको कॉन्स्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई करने पर वही बनना चाहिए जो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करके मिला है, और एडअप होकर के हमें मिडल टर्म मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे मिल गया वाई स्क्वायर, माइनस फाइव को मैंने ब्रेक कर लिया माइनस टू, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल उसके साथ लगा देंगे, एंड माइनस थ्री वाई प्लस का सिक्स। ओके, अब यहाँ से इतना आने के बाद मुझे दो दो के पेयर बना देने हैं और उनमें से कॉमन पार्ट ले लेना। इसमें से कॉमन क्या आएगा, वाई कॉमन आएगा, वाई माइनस टू बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, थ्री कॉमन आएगा, और उसके साथ साइन कौन सा, माइनस का कॉमन आएगा, तो ये प्लस का वाई बचेगा और ये माइनस का टू बच जाएगा। तो जो y माइनस टू दोनों में है तो y माइनस टू हम एक बार कॉमन लेकर के लिख लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा y और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का थ्री। मेरे दो फैक्टर जो हैं वो बन गए हैं वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स पॉलिनोमियल के। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेकर के हम इसको समझने वाले हैं। देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव, ये सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमारा पहला स्टेप क्या कह रहा था, हायर डिग्री वेरिएबल इनटू में कांस्टेंट। यहाँ हायर डिग्री वेरिएबल क्या है, सिक्स, हायर डिग्री वेरिएबल सॉरी एक्स स्क्वायर, और उसके कोफिशियंट क्या है, सिक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या है, फाइव। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे सिक्स और फाइव की मल्टीप्लाई करके निकाल लेना कितना आएगा, प्लस थर्टी। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों प्लस के फैक्टर की जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थर्टी मिलेगा। थर्टी के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। थर्टी के फैक्टर किस तरीके से करेंगे, वन पे थर्टी, टू पे फिफ्टीन, थ्री पे टेन, फोर पे जाएगा नहीं, फाइव पे सिक्स, फिर सिक्स से ये रिवर्स हो जाएगा। तो इतने हमें पेयर मिल चुके हैं इसके। इन पेयर में हमें मिडल टर्म देखनी क्या है, सेवनटीन है। ये सेवनटीन को बनाना है हमें,
या तो दो फैक्टर्स को ऐड अप करके या सब्ट्रैक्ट करके, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं बन रहा है 31 को ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 3 और 10 को ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करने पर भी 17 नहीं है, 5 और 6 को ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करने पर भी 17 नहीं है। किससे है? इससे, 2 और 15 से। हम ये वाला पेयर उठा लेंगे। 17 का हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक तो 2 में और एक 15 में। साइन कौन सा होगा, क्योंकि ऐड करना है और 17 प्लस का ही है तो दोनों किसके होंगे? प्लस के। ठीक है, ये है 6x² प्लस में हमारा 2y और ये प्लस में 6x² प्लस में 17 को मैंने ब्रेक किया 2 में और 15 में, तो प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ओके, ये हमारा इस तरीके से हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया है और बाकी सेम रहेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करना है आपने, और फैक्टर में से वो पेयर उठाना है जिसको मिडल टर्म को या तो दोनों को ऐड करने पर बन जाए या दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी मिडल टर्म बन जाए। इस तरीके से जब आपने बना लिया तो आप दो दो के पेयर बना दीजिए, फिर इसमें से आप कॉमन पार्ट देख लीजिए, 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 5 कॉमन आ गया 3x और 5 बाहर आ गया तो 1। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें 3x प्लस 1 कॉमन है तो ये बाहर ले लेंगे, और इसके साथ क्या बच गया 2x और इसके साथ क्या बच गया प्लस 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए जो दो फैक्टर है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से 3x प्लस 1 2x प्लस 5 होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं, और इसमें हमने देखा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ये तो था सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हमें फैक्टराइज करना था। अब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स में आएंगे जिसमें हमें